बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आमिर अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ा सा आउटडोर में आया हूं। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, शायद आपको बैकग्राउंड में थोड़े से चिड़ियों की चहचहाने की भी आवाज़ें आएँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अच्छे मौसम में आउटडोर में रहते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक अटैक दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें जो सीज़न चैलेंजेस पूरे महीने चलते हैं, इसमें कुछ दो टास्क कंप्लीट होने को के तरफ जा रहे हैं। टास्क नंबर वन एक है जिसके मुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, डिस्ट्रॉय 10 इनटू बॉम्ब टावर इन मल्टीप्लेयर बैटल्स, जबकि दूसरा टास्क है यूज़ लाइटनिंग स्पेल्स टू विन 4 इनटू मल्टीप्लेयर बैटल्स। तो इन लाइटनिंग स्पेल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं 3 बैटल्स जीत चुका था। आखिरी बैटल रहती है जो कि मैं आपके सामने लड़ना चाहता हूँ। और इसके अलावा ये जो बॉम्ब टावर्स हैं 9 में तबाह कर चुका हूँ, एक और तबाह करना है, तो ये 200 पॉइंट्स मुझे यके बाद दीगरे मिल जाएंगे। ये एक गाड़ी भी मेरे पास से गुजरी है, शायद इसकी भी आवाज़ आई हो आपके पास। खैर एनीवेज, हम अटैक की तरफ चलते हैं। मैं थोड़े से स्पेल्स आपको दिखाता चलूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। जी हाँ, एक लाइटनिंग स्पेल है और उम्मीद है कि अगर मैं ये एक स्टार भी लेके मल्टीप्लेयर बैटल जीतने में कामयाब हो गया तो मेरे कम से कम 100 पॉइंट्स तो पूरे होंगे। तो आइए बैटल की तरफ चलते हैं और लेट्स सी, देखते हैं कि मैं ये 100 और 100 200 पॉइंट्स लेने में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेट्स सी। अभी तक मुझे डोनेशन नहीं मिली हुई, ये क्लाइंट काफ़ी सुस्त है डोनेशन देने के मामले में। मैं तो जो जो भी मांगता है डोनेशन मैं उसको देता रहता हूँ, लेकिन मुझे डोनेशन टाइम पर नहीं मिलती। ये वैसे मेरी इनसे शिकायत है, आई डोंट नो क्यों इतने सुस्त हैं। मुझे लगता है कि ये क्लेन मुझे जल्दी तब्दील करना पड़ेगा। एनीवेज अटैक की तरफ चलते हैं। काफ़ी मुश्किल बेस है, आपका क्या ख्याल है इस पर अटैक करना चाहिए? उम्मीद है एक स्टार तो मैं ले सकूँगा। आइए इसके ऊपर अटैक करते हैं और मैं ईस्ट से अटैक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वेस्ट मैं तकरीबन दरमियान में टाउन हॉल भी मौजूद है। टाउन हॉल भी मौजूद है और उसके इर्द गिर्द एक्सपोज वगैरह लगी हुई हैं, तो मैं ईस्ट से ही अटैक करता हूँ। सबसे पहले अपने वॉल ब्रेकर मैंने छोड़ा, उसके साथ मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन साथ ही मैं छोड़ दूँगा 3 मुख्तलिफ जगहों पर। इन्फर्नो ड्रैगन्स भी छोड़े हैं, रेगुलर जो नॉर्मल जो ड्रैगन्स हैं अपग्रेडेड वो भी मैं छोड़ूँ, साथ ही येटीज़ और पैका एज अ ग्राउंड ट्रूप मैं छोड़ूंगा। हीरोज़ भी मैं साथ ही छोड़ दूँ, बेहतर है। ये सारे अटैक ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं ईस्ट से ही करूँ, ईस्ट से ही दबाव डालूँ ताकि कम से कम एक स्टार मिले और मैं ये वॉर जीतने में कामयाब हूँ। इस दफ़ा रॉयल चैम्पियन मेरा ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, हाँ अलबत्ता एक स्टार में लेने में कामयाब हो गया हूँ जो कि मुझे चाहिए था इन ऑर्डर टू अर्न दैट 100 पॉइंट्स एट लीस्ट। और शायद मैं अब तक 200 पॉइंट्स भी ले चुका हूँ, मुझे अभी तक वो बॉम्ब टावर नज़र तो नहीं आया। शायद मैं अब तक, मेरे ख्याल में मैं एक नहीं बल्कि 2 बॉम्ब टावर्स तबाह कर चुका हूँ, एक रह गया और उम्मीद है कि वो नहीं, मुझे अभी तक एक बॉम्ब टावर ही सलामत नज़र आ रहा है और एक लगता है कि मैं तबाह कर चुका हूँ। 74% डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, टाउन हॉल भी मैं तबाह कर चुका हूँ। रिज़ल्ट ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। ये अब तबाह हो रहा, यस बिल आखिर एक बॉम्ब टावर मैं तबाह करने में कामयाब हो गया, मतलब अगला 100 पॉइंट भी मुझे मिल गए हैं और अब तक मैं 200 पॉइंट्स ले चुका हूँ। इस वॉर के अख्ताम पे मैं स्ट्रेट अवे आपको सीज़न चैलेंजेस की तरफ लेके जाऊंगा। लूट भी बहुत मुझे बहुत अच्छी मिल गई है, 8 लाख एलेक्जियर, 4 लाख अराउंड 4,50,000 से ऊपर जो है मुझे कॉइन्स मिले, तो 13 मेडल्स के साथ, 13 ट्रॉफ़ीज़ के साथ, तो ये अच्छी वॉर रही है मेरे लिए।
वापस चलते हैं और स्ट्रेट अवे देखिए 3 रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं ये चैलेंज मुकम्मल करने में। 200 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे 1910 पॉइंट्स के साथ इस वक्त मैं चल रहा हूँ। 2 हीरो पोशंस मुझे मिल गए हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थे। ये टू जो हीरो पोशंस हैं ये मुझे बहुत अच्छा आगे बूस्ट दे सकते हैं मेरे हीरोज़ को ड्यूरिंग अटैक, चाहे वो मल्टीप्लेयर बैटल के अंदर हो या फिर किसी किस्म की कोई वॉर या क्लैन वॉर लीग में। फ्यूचर में क्लैन वॉर लीग तो खैर अब काफ़ी दिनों के बाद आएगी, माइट बी पॉसिबल अराउंड 15-20 डेज़ के बाद, तो हो सकता है उससे पहले मैं ये 2 हीरो पोशंस इस्तेमाल कर बैठूँ। एनीवेज तो ये मैंने आपको वॉर दिखानी थी, 200 पॉइंट्स मैंने जीत लिए हैं। सीज़न चैलेंजेस आपको ज़रूर मुकम्मल करने चाहिए अगर आप रेगुलर प्लेयर हैं, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट्स देते हैं और काफ़ी सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियोस को ज़रूर देखें और मुझे अपने सजेशंस से और टिप्स से ज़रूर आगाह करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।